हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज जिस देश के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे अमेरिका का सबसे शांत देश माना जाता है और इस देश को समलैंगिकों के लिए तो स्वर्ग माना जाता है। यहाँ आपको लोगों से ज्यादा तो गाय और भेड़ देखने को मिलेगी। अरे हाँ, यहाँ जितने लोग है ना उससे 4 गुना ज्यादा गाय रहती है। और दोस्तों, प्राइमरी स्कूल के हर स्टूडेंट को फ्री लैपटॉप देने वाला ये दुनिया का पहला देश है भाई। और फीफा वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला इसी देश में खेला गया था और इसी देश ने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की थी। और ये वही देश है जहाँ पर टैंगो डांस की शुरुआत हुई थी। ये देश कोई और नहीं बल्कि है उरुग्वे। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत देश उरुग्वे के सफर पर। लेना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, उरुग्वे को ऑफिशियली ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे कहा जाता है, जो साउथ अमेरिका में स्थित एक देश है। देश में रहने वाली 53 लाख की आबादी में से 11 लाख लोग तो राजधानी मोंटेवीडियो और मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहते हैं। इस देश के पश्चिम में अर्जेंटीना, उत्तर और पूर्व में ब्राजील, दक्षिण में रियो डे ला प्लाटा नदी और दक्षिण पूर्व में अटलांटिक महासागर है। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका में सूरीनाम के बाद दूसरा सबसे छोटा देश है। मोंटेवीडियो उरुग्वे देश की राजधानी होने के साथ ही साथ इस देश का सबसे बड़ा शहर है। भले ही आपने इस शहर का नाम ज्यादा ना सुना हो, लेकिन इस शहर को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। हर साल इस शहर को देखने लाखों लोग दूर देश से आते हैं। मोंटेवीडियो 2013 मास्टर कार्ड ग्लोबल डेस्टिनेशन सिटीज इंडेक्स में लैटिन अमेरिका में 8वें स्थान पर है और 2014 में इसे दुनिया में 5वां सबसे गे फ्रेंडली मेट्रोपोलिस और लैटिन अमेरिका में पहला ऐसा शहर माना जाता था। दोस्तों, ये शहर उरुग्वे का फाइनेंशियल सेंटर भी है और लगभग 2 मिलियन की आबादी इसी शहर में रहती है। अगर आपको उरुग्वे की नाइट लाइफ का आनंद लेना है तो मोंटेवीडियो से बेहतर शहर आपको इस देश में कहीं नहीं मिलने वाला है। यस दोस्तों, उरुग्वे में अंग्रेजी बोलना सबसे आम है, लेकिन उरुग्वे की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। इसके अलावा उरुग्वे के बॉर्डर जो ब्राजील के पास है, वहाँ के कुछ इलाकों में उरुग्वेन एक देसी भाषा के रूप में बोला जाता है, जिससे ये देश की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। वैसे तो उरुग्वे में आपको लोग काफी जिंदा दिल किस्म के मिलेंगे। और हाँ, इस देश के लोगों को ना दूसरे लोगों से ज्यादा मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि इस देश को दुनिया के सबसे करप्ट देशों में गिना जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा चुका है कि उरुग्वे सबसे करप्ट देशों की सूची में 18वें नंबर पर आता है। बहुत अच्छी पोजीशन बना रखी है, वेल मेंटेन यार, है ना। दोस्तों, बता दें कि उरुग्वे एक समय स्पेन का हिस्सा था जो बाद में ब्राजील का एक प्रांत बन गया। इस देश को 1811 में स्वतंत्रता हासिल हुई, लेकिन फिर भी 1825 तक ब्राजील के साथ ही रहा। अलग होने के साथ ही उरुग्वे ने शिक्षा, वाणिज्य और टूरिज्म जैसे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, जो लंबे समय तक उरुग्वे में रहते हैं ना, वो कुछ ही दिनों में एहसास करते हैं कि यहाँ की लाइफस्टाइल लैटिन अमेरिकी देशों से सबसे ऊपर है। नगरीकरण के मामले में उरुग्वे बहुत से देशों से कहीं आगे है और यहाँ की तकरीबन 80% से ज्यादा जनसंख्या शहरों में ही रहती है। इसके अलावा उरुग्वे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे देशों में से एक है और देश की लिटरेसी रेट 98.8% है। रियली वेरी गुड यार। आपको बता दें कि यहाँ एजुकेशन पूरी तरह से फ्री होने के साथ ही साथ अनिवार्य भी है। यहाँ आपको अपने बच्चे को स्कूल भेजना ही भेजना होता है, कोई बहाना नहीं चलेगा। यस, और अगर आप नहीं भेजेंगे तो आपको जुर्माने के साथ साथ आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, उरुग्वे देश में रहने वाले लोग एग्रीकल्चर सेक्टर और बिजनेस सेक्टर पर ज्यादा निर्भर करते हैं। कहते हैं कि अगर आपको खेती करनी सीखनी है तो उरुग्वे देश से सीखिए। ये देश खेती करने के मामले में बाकी देशों से बहुत आगे है। उरुग्वे प्रति व्यक्ति कृषि भूमि के मामले में दुनिया के बाकी देशों से कहीं ज्यादा आगे है। 2005 में ही उरुग्वे 90 लाख लोगों के लिए पर्याप्त अनाज पैदा करता था, जो आज की तारीख में बढ़कर 2.8 करोड़ लोगों तक पहुंच गई है। सरकार ने टारगेट को और ज्यादा बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया है, जो कि देश की आबादी का 15 गुना है। सीरियसली यार, इतना ज्यादा अनाज पैदा करते हैं ये लोग। दोस्तों, उरुग्वे के इस सफल प्रदर्शन के पीछे देश, किसानों और पशुपालकों की मेहनत शामिल है। उरुग्वे में खेती करने का नजारा कुछ अलग ही देखने को मिलता है। साथ ही इस देश में आपको हर तरफ हमारी गौ माता ही गौ माता देखने को मिलेंगी। जहाँ मन करे वहाँ गौ माता के पैर छुई है और क्या। कहा जाता है कि ये एक ऐसा देश है जहाँ प्रति व्यक्ति 4 गाय है और हर एक गाय के कान पर इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाहे किसानों की गाय कहीं भी चली जाए, वो उन्हें चिप की मदद से ढूंढ सकते हैं। वाओ, एडवांस गाय है यार यहाँ तो। दोस्तों, उरुग्वे की इस तकनीकी को अब भारत के साथ ही कई दूसरे बड़े देशों ने भी आजमाया है। दोस्तों, हमने आपको उरुग्वे की गाय के बारे में बताया, चलिए अब आपको यहाँ की भेड़ों के बारे में भी बता देते हैं। नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज की माने तो पूरे उरुग्वे में 64,19,000 भेड़े हैं। ये किसी भी देश के लिए खुद ही एक बड़ा रिकॉर्ड है। उरुग्वे बहुत सारे ऊन और भेड़ के बच्चों का एक्सपोर्टर भी है ना, कमाल का बिजनेस। दोस्तों, जहां एक तरफ ड्रग्स को रोकने के लिए लगभग सभी देश अपने यहां कानून पास कर रहे हैं,
वहीं उरुग्वे में मैरिजुआना पूरी तरह से लीगल कर दी गई है। यस, अब आपको बता दें ऐसा करने वाला उरुग्वे पहला देश है। कोई भी इस देश में जाकर बिना किसी डर के मस्त माल फूंक सकता है, आई मीन टू से कि मैरिजुआना का सेवन कर सकता है यार। दोस्तों उरुग्वे से जुड़े कुछ और दिलचस्प किस्सों की बात करें तो इस देश में कुछ ऐसे पार्क्स और प्लाजाज हैं जहां फ्री वाईफाई की सुविधा लोगों को दी गई है। टेक्नोलॉजी सेक्टर को और मजबूत करने के लिए उरुग्वे देश में कुछ टेक्नोलॉजी आइटम्स को टैक्स फ्री किया जा चुका है। दोस्तों इस देश में एक हैरान कर देने वाली बात ये देखी जाती है कि यहां रहने वाली पत्नी अगर अपने पति को धोखा देती है तो पति अपने पत्नी की हत्या भी कर सकता है। यार ये तो गलत बात हुई। खैर, उरुग्वे के नेशनल एंथम को दुनिया का दूसरा सबसे लंबा नेशनल एंथम माना जाता है। आपको बता दें कि यहां का नेशनल एंथम 5 मिनट से भी ज्यादा समय तक चलता है। दोस्तों आपने कई बार देखा और सुना होगा कि कुछ देश अपने यहां की एजुकेशन व्यवस्था को बेहतर करने के लिए छात्रों का काफी ध्यान रखते हैं। इसके लिए कई तरह की स्कीमें भी शुरू की जाती हैं, जैसे कि फ्री लैपटॉप बांटना भी इसी स्कीम का हिस्सा है। आज हर देश अपने बच्चों को स्कूल में फ्री लैपटॉप दे रहा है। उरुग्वे इस मामले में काफी आगे है। 2009 में उरुग्वे दुनिया का पहला देश बन गया था जिसने हर प्राथमिक स्कूल के छात्र को मुफ्त में एक लैपटॉप और वाईफाई दिया था। आज इस देश के प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट के पास अपना खुद का लैपटॉप है। उरुग्वे के लोग खाने पीने के ना काफी ज्यादा शौकीन है। यस, यहां के लोगों को खाने का इतना शौक है जितना भारत के लोगों को है। दोस्तों कहा जाता है कि भारत से खाने के मामले में कोई देश अगर मुकाबला कर सकता है तो वो कोई और नहीं उरुग्वे ही है। जी हां, यहां आपको ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक सब कुछ लाजवाब, मतलब एकदम बेहतरीन मिलने वाला है। वैसे तो उरुग्वे में खाने के लिए काफी कुछ है, लेकिन अगर बात करें यहां के चिविटो की तो दोस्तों इसे खाकर तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। चिविटो उरुग्वे का सबसे पसंदीदा फास्ट फूड और देश का नेशनल डिश है। इसमें स्टीक, मोजरेला, टोमेटोज, मेयोनीज, ओलिव्स, बैकॉन, एग्स एंड हैम का एक पतला टुकड़ा होता है जिसे एक साथ परोसा जाता है। इस डिश के अलावा आप मिलानेसा, कॉरीपैन, अल्फा जोर भी यहां ट्राई कर सकते हैं। आपको अगर मीट खाने का शौक है ना तो आपको जानकर खुशी होगी कि उरुग्वे को दक्षिण अमेरिका में सबसे टॉप क्लास मीट रेस्टोरेंट्स के लिए भी जाना जाता है। यहां आपको इतना टेस्टी मीट मिलेगा ना खाने के लिए जितना आपने कहीं और ट्राई भी नहीं किया होगा यार। यस, साथ ही उरुग्वे के लोग पीने के भी बहुत शौकीन है और ये लोग वाइन तो बहुत ही जमकर दबा कर पीते हैं। वाइन के बिना तो यहां के लोग एक पल भी नहीं रह सकते हैं। अगर आप पर्यटक हैं और इस देश की यात्रा पर हैं तो आपको यहां के लोग वाइन जरूर पिलाएंगे, चाहे आप नॉन अल्कोहलिक ही क्यों ना हो। वेल, उरुग्वे देश के बारे में एक और ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो इसको अलग बनाता है। इस देश के लोगों में मोटापे और ज्यादा नमक खाने से हार्ट की समस्या अक्सर रहती है। अब दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वजह से यहां की सरकार ने एक नियम बना दिया है और वो नियम ये है कि नमक खाने से हार्ट की समस्या होती है और नमक से ही मोटापा बढ़ता है। इसी वजह से नमक आपको किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में अलग से नहीं दिया जाता है। जी हाँ, जैसे कि हमारे देश में नमक या बाकी चीजें खाने के टेबल पर रख दी जाती है ना कि जितना मर्जी उतना डाल लो, नहीं यहां ऐसा नहीं होने वाला है। उरुग्वे में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है। दोस्तों उरुग्वे की एक और मजेदार बात यह है कि यहां पर जितने भी घर है ना उन सभी घरों का अपना एक यूनिक नेम है, मतलब कि यहां पे इंसानों के साथ साथ घरों का भी नामकरण किया जाता है। अगर आपको फुटबॉल देखना पसंद है ना तो उरुग्वे के बारे में आप जानते ही होंगे। पहला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन इसी देश में हुआ था। 1930 में अपने देश में आयोजित हुए पहले फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर खिताब जीता था और इतिहास रच दिया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया का सबसे पुराना डांस टोंगो डांस की शुरुआत उरुग्वे में ही हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि इस डांस का क्रेडिट अर्जेंटीना देश को दिया जाता है, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि टोंगो डांस की शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि उरुग्वे से हुई थी। इस डांस की शुरुआत कहां से हुई थी ये पता लगाना हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन हां, उरुग्वे के लोगों के बीच में डांस करना सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यहां के लोग बहुत ही बिंदास होते हैं और बहुत अच्छे से डांस करते हैं। आप उरुग्वे देश की स्ट्रीट पर भी कपल को डांस करते हुए देख सकते हैं बिना किसी झिझक के। यस दोस्तों, उरुग्वे में आप कई बेहतरीन चीजें देख सकते हैं और अपने ट्रिप को यादगार बना सकते हैं। आपके लिए मोंटेवीडियो शहर को एक्सप्लोर करना सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। ये शहर उरुग्वे का सबसे खूबसूरत शहर है। पुंटा डेल एस्टे इस देश की सबसे पॉपुलर बीच है और ये बीच इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर खाली समय बिताने बड़े बड़े मॉडल्स और एक्टर्स भी आते हैं। इसके अलावा कोलोनिया डेल सैक्रामेंटो भी आपके लिए बेस्ट चॉइस साबित हो सकता है। कोलोनिया का बैरियो हिस्टोरिको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और शहर का सबसे फेमस टूरिस्ट पॉइंट है। इन सभी जगह घूमने के साथ ही आप उरुग्वे के बीचेस पर सन बाथ भी ले सकते हैं। अगर आप उरुग्वे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों कुछ बातें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, जैसे कि यहां जाकर आप अर्जेंटीना देश की बुराई नहीं कर सकते हैं। यस, पीठ पीछे कोई बुराई नहीं करेगा और उरुग्वे देश के लोग अर्जेंटीना को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। इस देश के लोगों को फुटबॉल से कुछ ज्यादा ही प्यार है। अगर आपने उरुग्वे की नेशनल फुटबॉल टीम का मजाक उड़ाया ना तो यहां के लोग आपसे बुरी तरह से खफा हो सकते हैं। कुल मिलाकर आप उरुग्वे जाकर बस खुद से ही मतलब रखना
और कुछ भी बोलने से पहले ना दो बार सोच लेना। दोस्तों ये था बहुत ही शानदार देश उरुग्वे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की वीडियो में आपको उरुग्वे की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या कभी आप भी गए हैं उरुग्वे, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।